में अंदर ये भी होना चाहिए कि मेहर नगद हो, मेहर नगद होना चाहिए, इस्तेतात के हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये होगा कि नहीं, क्या पता किसी ने कहां से निकाल लिया कि 32 रुपए सुन्नत देना, 32 रुपए सुन्नत, और उस वक्त की जोड़ेंगे आप, बोले उस वक्त का हिसाब किताब लगाओ तो 32 रुपए बन रहा। 32 रुपए की वैल्यू क्या है आज? बच्चा आज 32 रुपए चॉकलेट नहीं खरीदता है, और 32 रुपए और आज भी हो रहे ऐसे निकाह, वो सुन्नत है, यही सुन्नत दिख रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऊँट पर बैठ के जाते थे, ऊँट रखते थे घर के अंदर, तो ये भी तो सुन्नत है। हर आदमी मुत्तकी परहेज़गार अपने को कह रहा तो ऊँट बांध के रख वहाँ पर, सुन्नत ये नहीं होती है। सुन्नत उस दीन की जो सुन्नत अल्लाह की, वो सुन्नत दौर के हिसाब से बदलती है, इसी को दीन कहा जाता है। दीन वो रुक नहीं जाता है, और उस दौर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में यही अच्छी सवारी थी ऊँट रेगिस्तान में चलने के लिए। आज हमारे पास में तेजी से चलने के लिए क्या है? मोटरसाइकिल है, कार है, तो ये सुन्नत है आज, इसी को सुन्नत कहा जाएगा। आज अगर जंग की बात है, जंग हमारी जब तलवारों से हो रही थी, घोड़े पे बैठकर हो रही थी, और आज हमारे पास कभी सुन्नत है तो क्या इससे लड़ेंगे? आज के दौर के अंदर वो इतनी दूर आने नहीं देगा, वो 1000 फीट दूर बैठ के आपको गोली मार देगा वहीं से, तो ये सुन्नत नहीं है। अब सुन्नत ये होगी कि वैसे के वैसे हथियारों से लड़ा जाए, ये सुन्नत होगी। तो हमारी सुन्नत तो अब उसके अंदर वो थी उस वक्त के दौर के अंदर, लेकिन यहाँ इस्तेतात के हिसाब से रखा जाएगा। आदमी की कितनी इस्तेतात है उसके हिसाब से वो मेहर रखे, उसके हिसाब से वो नगद उसके अंदर होना चाहिए कि नगद ही दे दे वो, नहीं तो फिर ये पड़ी रहती है और वो उसके अंदर आदमी भी मर जाता है, फिर वो बेचारी औरत को लिया जाता है, उसमें कह बोल रहे थे कान के अंदर कि मैंने माफ़ किया मेहर, अब वो भी कह देती कि माफ बोल दो, अब इसके अंदर क्या करें, ज़िंदगी मैंने तो दिया ही नहीं, अब मरने के बाद कौन सा देगा, वहाँ मत दे, माफ़ नहीं किया जाता। तो इसको भी नगद रखना चाहिए, इसको भी शुरू करना चाहिए, ये भी जो है ज़रूरी है।